एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका दिल से स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पुल्लिंग सर्वनाम शब्द तत् या तद का शब्द रूप पढ़ाने जा रहा हूं उच्चारण के साथ। प्रथमा शह तौ ते, प्रथमा शह तौ ते। द्वितीया तम तौ तान, द्वितीया तम तौ तान। तृतीया तेन ताभ्याम तह, तृतीया तेन ताभ्याम तह। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्य, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्य। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। षष्ठी तस्य तयोः तेषाम, षष्ठी तस्य तयोः तेषाम। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। हम लोग हिंदी में आठ कारक पढ़ चुके हैं और आठ कारकों का चिन्ह भी जान चुके हैं। यदि आप हिंदी में कारक नहीं जानते हैं तो आप कारक के बारे में अवश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि कारक के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है संस्कृत में विभक्ति को समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो। हम लोग हिंदी में कर्ता पढ़ चुके हैं। कर्ता का चिन्ह होता है ने या कुछ नहीं। यह देखें कैसे, जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं वह खाता है, वह जाता है, वह पत्र लिखता है, वह आम खाता है, तो यहाँ वह में कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है और इस वह का संस्कृत शह होता है और वह से एक व्यक्ति का बोध होता है। यदि हम कहते हैं हिंदी में उसने खा लिया है, उसने पत्र लिख लिया है, या उसने खाया, या उसने मुझे गौर से देखा, तो यहां भी उसने का अर्थ होता है एक थर्ड पर्सन में और इसका संस्कृत होता है शह। जब हम हिंदी में बोलते हैं अपने पिताजी के लिए या अपने दादाजी के लिए या अपने शिक्षक के लिए, यानी जो व्यक्ति हमसे बहुत बड़े हैं या इस देश के प्रधानमंत्री हैं या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लिए हम लोग आदर सूचक शब्द का व्यवहार करते हैं। भले ही एक व्यक्ति हो लेकिन हम लोग कहते हैं वे मेरे पिताजी हैं, वे मेरे दादाजी हैं, तो यहाँ वे का भी संस्कृत श होता है और यहाँ वे से एक व्यक्ति का बोध होता है। और जब हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस में भूतकाल में उन्होंने खाया, उन्होंने मुझे प्यार किया, उन्होंने मुझे गोद में बैठाया, तो इस उन्होंने का भी संस्कृत स होता है। यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ आप ध्यान पूर्वक देखिए, वे और उन्होंने से यहाँ बोध होता है कि एक ही व्यक्ति है। जब हम हिंदी में अपने से बड़े व्यक्ति के लिए आदर सूचक शब्द का व्यवहार करते हैं तो एक व्यक्ति के लिए भी हम वे का और उन्होंने का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग हिंदी में कहते हैं वे दोनों खाते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, उन दोनों ने आम खाया, उन दोनों ने एक पत्र लिखा, तो वे दोनों और उन दोनों ने का संस्कृत तौ होता है। जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक से अधिक व्यक्ति के लिए वे खाते हैं, वे लोग खाते हैं, वे सब खाते हैं, वे सभी खाते हैं, तो इसका संस्कृत ते होता है। या हम लोग पास्ट टेंस में बोलते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं, उन्होंने खा लिया है, उन्होंने खाया, उन लोगों ने पढ़ा है, उन लोगों ने पढ़ा, उन सबों ने मुझे गौर से देखा है, या उन सबों ने मुझे गौर से देखा,
उन सभी ने इस किताब को पढ़ लिया है या उन सभी ने इस किताब को पढ़ा, तो इसका भी संस्कृत ते होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जब हम हिंदी में चाहिए लगाकर बोलते हैं या आवश्यकता का यूज करते हैं तो कहते हैं उसे पढ़ना चाहिए या उसको पढ़ना चाहिए या उसे एक कलम की आवश्यकता है या उसको पढ़ने की आवश्यकता है, तो उसे या उसको का संस्कृत श होता है। जब हम लोग हिंदी में चाहिए का उपयोग करते हैं या आवश्यकता का उपयोग करते हैं, जब हम लोग हिंदी में कहते हैं एक व्यक्ति के लिए, अपने पिताजी के लिए या अपने दादाजी के लिए या अपने शिक्षक के लिए, जब एक व्यक्ति होता है तब उन्हें मुझे दुलार करना चाहिए, उनको घर जाना चाहिए, तो यहाँ उन्हें या उनको का संस्कृत श होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जब हम लोग कहते हैं उन दोनों को पढ़ना चाहिए या उन दोनों को मुझे प्यार करना चाहिए, तो यहाँ उन दोनों का संस्कृत तौ होता है। जब हम लोग कहते हैं चाहिए लगाकर उन्हें एक कलम की आवश्यकता है या उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है, उनको घर जाने की जरूरत है या उनको एक कलम की आवश्यकता है, या उन लोगों को एक कलम की आवश्यकता है या उन लोगों को घर जाना चाहिए, उन सबों को पढ़ना चाहिए या उन सबों को एक किताब की आवश्यकता है, या कहते हम लोग उन सभी को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ उन्हें या उनको या उन लोगों को या उन सबों को या उन सभी को का संस्कृत ते होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग प्रथमा विभक्ति का यानी शह का या तौ का या ते का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसको अच्छी तरह सीख चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में कर्म का चिन्ह होता है को या कुछ नहीं, और कर्म को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब हम लोग कहते हैं हिंदी में उसे एक किताब दो या उसको एक किताब दो, तो उसे या उसको का संस्कृत तम होता है द्वितीया में, यानी यहां हम द्वितीया विभक्ति का उपयोग करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति होता है, जैसे हमारे दादाजी होते हैं या पिताजी होते हैं या कोई शिक्षक होते हैं, और कहते हैं उन्हें एक कुर्सी दो या उनको एक कुर्सी दो, तो यहां उन्हें या उनको का संस्कृत तम होता है। जब हम लोग कहते हैं उन दोनों को एक किताब दीजिए, तो उन दोनों का संस्कृत तौ होता है द्वितीया विभक्ति में। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं एक से अधिक व्यक्ति है तब उन्हें एक किताब दीजिए या उनको एक किताब दीजिए या उन लोगों को आम खाने दीजिए या उन सबों को पढ़ने दीजिए या उन सभी को घर जाने दीजिए, तो इसका संस्कृत में अनुवाद तान होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। हम लोग जानते हैं हिंदी में करण का चिन्ह से होता है के द्वारा के अर्थ में या के माध्यम के अर्थ में या की सहायता के अर्थ में या की मदद के अर्थ में। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं उससे यह काम करवाओ या उनसे यह काम करवाओ, तो उससे या उनसे का संस्कृत तृतीया विभक्ति में तेन होता है। जब हम लोग कहते हैं उन दोनों से यह किताब पढ़वाओ, तो संस्कृत में तृतीया विभक्ति के द्विवचन ताभ्याम का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग एक से अधिक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं उनसे यह काम करवाओ, उन लोगों से एक किताब पढ़वाओ, उन सबों से यह काम नहीं करवाओ, उन सभी से यह काम नहीं करवाओ, तो इसका संस्कृत में अर्थ तय होता है। यहाँ उनसे यह बोध होता है कि एक से अधिक व्यक्ति है, लेकिन हम यहाँ देखें उनसे का यह बोध होता है कि एक ही व्यक्ति है। हम आदर सूचक अर्थ में इसका उपयोग करते हैं जब एक व्यक्ति होता है
और वह होते हैं हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे गुरुजी या हमसे बड़े व्यक्ति, जिसके लिए हम आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। भले ही एक व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ हम कहते हैं उनसे, और इसका संस्कृत में अनुवाद होता है तेन। इस बात का आप ध्यान रखें, यहाँ उनसे एक व्यक्ति का बोध होता है, और जो अंतिम में है उनसे यहाँ एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। और यहाँ से के बदले आप के द्वारा भी लिख सकते हैं, उसके द्वारा या उसके माध्यम से या उसकी सहायता से या उसकी मदद से, और उन दोनों से के जगह पर आप लिख सकते हैं उन दोनों के द्वारा, उन दोनों के माध्यम से, उन दोनों की सहायता से या उन दोनों की मदद से, और उनसे और उन लोगों से की जगह पर आप लिख सकते हैं उनके द्वारा या उन लोगों के द्वारा या उनके माध्यम से या उन लोगों के माध्यम से या उनकी सहायता से या उन लोगों की सहायता से या उन लोगों की मदद से या उन सबों की मदद से या उन सभी के मदद से। यहाँ हम लोगों ने सीखा कि जब करण का चिन्ह से होता है तो वहाँ हम तृतीया विभक्ति का यूज करते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा कि उससे या उनसे या उन दोनों से या उनसे या उन लोगों से का संस्कृत में हम तृतीया विभक्ति का यूज करते हैं। हिंदी में संप्रदान के लिए या को के चिन्ह का प्रयोग होता है, और संस्कृत में इसके लिए चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं उसके लिए एक किताब लाओ, उसके लिए एक पत्र लिखो, तो संस्कृत में उसके लिए का संस्कृत होता है तस्मै, या कहते हैं उसको धन दो, तो यहाँ हम तस्मै का यूज करते हैं। या हिंदी में जब आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, भले ही एक व्यक्ति हो, वह हमारे पिताजी हों या वह हमारे गुरुजी हों, जब हम कहते हैं उनके लिए एक कुर्सी लाओ, उन्हें एक कुर्सी दो या उनको एक कुर्सी दो, तो यहाँ इसका अर्थ संस्कृत में तस्मै होता है। जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं दो व्यक्ति के लिए, उन दोनों के लिए एक किताब लाओ, तो इसका संस्कृत में अर्थ होता है ताभ्याम। या हम कहते हैं उन दोनों को धन दो, उन दोनों को कुछ पैसा दो, तो यहाँ उन दोनों का संस्कृत ताभ्याम होता है, देने के अर्थ में जब हम को का प्रयोग करते हैं तब। यहाँ ध्यान रखें, को का चिन्ह हम लोग हिंदी में कर्म के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ देने के अर्थ में जब होता है को का उपयोग, तो संस्कृत में हम चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करते हैं। जब हम लोग कहते हैं उन लोगों के लिए एक कुर्सी लाओ, या कहते हैं उन सबों के लिए एक किताब लाइए, या उन सबों को एक किताब दीजिए, या उन सभी के लिए एक आम लाइए, या उन सभी को एक आम दीजिए, या उन्हें एक किताब दीजिए, या उनको एक रुपया दीजिए, तो यहाँ उन्हें या उनको का संस्कृत तेभ्य होता है। इस बात का आप ख्याल रखें। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में कारक अपादान का चिन्ह से होता है, अलग होने के अर्थ में। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होता है, और उस अर्थ में जब हम से का प्रयोग करते हैं, तो इस से का संस्कृत में जब हम प्रयोग करते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उससे मैं दूर जा रहा हूँ, या उनसे मैं दूर जा रहा हूँ, तो यहाँ उससे या उनसे का संस्कृत पंचमी विभक्ति में तस्मात होता है, यहाँ उससे या उनसे एक व्यक्ति का बोध होता है। जब हम कहते हैं उन दोनों से एक कुर्सी अलग कर दो, तो यहाँ उन दोनों से का संस्कृत ताभ्याम होता है, या उन दोनों से दूर हो जाओ, तो यहाँ उन दोनों से का संस्कृत ताभ्याम होता है। जब हम लोग कहते हैं उनसे दूर रहो, या उन लोगों से दूर रहो, या उन सबों से दूर रहो, या उन सभी से दूर रहो, तो संस्कृत में तेभ्य का यूज करते हैं। यहाँ आप गौर से देखिए, एक वचन में भी उनसे है और बहुवचन में भी उनसे है,
बहुवचन में जो उनसे है एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। एक वचन में हम उनसे का प्रयोग तब करते हैं जब हमसे बड़े व्यक्ति हों, जैसे हमारे पिताजी हों या हमारे गुरुजी हों और एक व्यक्ति हों, तो हम यहाँ एक वचन में भी उनसे का प्रयोग करते हैं और इसका संस्कृत पंचमी विभक्ति में तस्मात होता है। हिंदी में हम लोग कारक संबंध का चिन्ह का लिखते हैं या की लिखते हैं या के लिखते हैं या रा लिखते हैं या री लिखते हैं या रे लिखते हैं, और संबंध के लिए संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का उपयोग करते हैं। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं यह उसका भाई है या उनका भाई है या यह उसकी किताब है या यह उनकी किताब है या यह उसके पिताजी हैं या यह उनके पिताजी हैं, यहाँ उनका या उनकी या उनके से एक व्यक्ति का बोध होता है और यहाँ हम आदर सूचक शब्द के जैसा इसका व्यवहार करते हैं। अपने से बड़े के लिए हम जब वह एक व्यक्ति भी हो तो हिंदी में हम लोग उनका लिखते हैं या उनकी लिखते हैं या उनके लिखते हैं, और इन सभी का संस्कृत तस्य होता है षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं यह उन दोनों का भाई है या उन दोनों की बहन है या उन दोनों के पिताजी की किताब है, तो यहाँ उन दोनों का या उन दोनों की या उन दोनों के का संस्कृत तयो होता है षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं उनका भाई आ रहा है या उनकी बहन आ रही है या उनके भाई को देखो या उन सबों का भाई आ रहा है या उन सबों की बहन आ रही है या उन सबों के भाई को देखो या उन सभी का भाई आ रहा है उन सबों की बहन आ रही है या उन सभी के भाई को देखो या उन लोगों का भाई आ रहा है उन सबों की बहन आ रही है या उन सबों के भाई को देखो, तो यहाँ उनका या उनकी या उनके का संस्कृत तेषाम होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ एक वचन में भी उनका है और बहुवचन में भी उनका है, एक वचन में भी उनकी है और बहुवचन में भी उनकी है, एक वचन में भी उनके हैं और बहुवचन में भी उनके हैं, तो बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन हिंदी में हम एक व्यक्ति के लिए भी उनका प्रयोग करते हैं, उनकी प्रयोग करते हैं, उनके प्रयोग करते हैं, कब? जब हमसे बड़े व्यक्ति हों और हम आदर सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हों। यह बात आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। हिंदी में कारक अधिकरण के लिए में या पर के चिन्ह का प्रयोग होता है और इसके लिए संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग कहते हैं उस पर दोष मत पढ़ो या उसमें अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं होता है एक ही व्यक्ति लेकिन हमसे बड़े व्यक्ति होते हैं या हमारे पिताजी होते हैं या हमारे दादाजी होते हैं या हमारे गुरुजी होते हैं एक व्यक्ति, लेकिन हिंदी में हम इसके लिए कहते हैं उन पर दोष मत मरो या उनमें अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है। तो यहाँ उस पर या उसमें या उन पर या उनमें के लिए संस्कृत में हम लोग तस्मिन का प्रयोग करते हैं एक वचन। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं उन दोनों पर आरोप मत लगाओ, उन दोनों पर दोष मत मरो या उन दोनों में अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है या उन दोनों में बुराई बिल्कुल भी नहीं है, तो उन दोनों पर या उन दोनों में का संस्कृत तयो होता है सप्तमी भक्ति के द्विवचन में। जब हम लोग हिंदी में कहते हैं उन पर दोष मत लगाओ या उनमें अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है या उन सबों पर दोष मत मरो या उन सबों पर आरोप मत लगाओ या उन सबों में अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है या उन सभी पर आरोप मत लगाओ या उन सभी पर आरोप मत लगाओ या उन सभी में अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है या उन लोगों पर आरोप मत लगाओ या उन लोगों में अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है, तो इसका संस्कृत तेसु होता है। यहाँ आप देखें
एक वचन में भी हिंदी में उन पर है या उनमें है, और बहुवचन में भी उन पर है या उनमें है। यहां आप कैसे पहचानेंगे कि एक वचन में है या बहुवचन में है? जब हिंदी में एक व्यक्ति हो, हमारे पिताजी हो या हमारे गुरुजी हो या हमारे दादाजी हो, तो यहाँ एक व्यक्ति के लिए भी हिंदी में हम उन पर यूज करते हैं या उनमें यूज करते हैं, और जब एक से अधिक व्यक्ति हो तो हमेशा हम हिंदी में उन पर या उनमें यूज करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कब एक वचन में उन पर होगा और कब बहुवचन में उन पर होगा, इस बात को आप खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तत् या तद के शब्द रूप को खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसका अर्थ भी आप खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय।